15 अप्रैल 1912 एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। हर किसी के आंख में आंसू थे। RMS टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जिसे बनाने के बाद ये दावा किया गया कि ये कभी ना डूब सकता। ये वक्त था 19वीं शताब्दी का, जिस समय जर्मन और ब्रिटिशर्स में एक से बढ़कर एक जहाज बनाने की होड़ मची थी, और इस होड़ में सबसे आगे थी ब्रिटेन की सरकार, जिसने एक ऐसा जहाज बनाया जो काफी बड़ा और आलीशान महल की तरह दिखाई दी। इस जहाज को बनाने का काम सौंपा गया व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को। इस कंपनी ने 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड की बेलफास्ट में टाइटैनिक का निर्माण शुरू किया। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 15,000 इंजीनियर्स और कारीगरों ने आखिर बना ही दिया पानी में चलता फिरता ताजमहल। टाइटैनिक अंदर से काफी लग्जरियस और आलीशान था। इसमें 2 बड़े ग्रैंड स्टेयरकेस थे, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट्स, एक लाइब्रेरी और आलीशान दिखने वाले फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास अपार्टमेंट्स। इस जहाज को बनाने में उस समय $7.5 मिलियन यानी आज के समय $400 मिलियन का खर्च आया था। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे, और इसी वजह से टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता था। इस जहाज में बड़े बड़े ऑफिसर्स, बिजनेसमैन थे, और इसमें मौजूद थे बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो अपने सपनों को सच करने अमेरिका जा रहे थे। इस जहाज को बनाने वाली कंपनी ने पब्लिकली दुनिया भर में ये ऐलान कर दिया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर तैयार हो चुका था। बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला टाइटैनिक अंदर से और भी खूबसूरत था, और टाइटैनिक की पहली यात्रा को लेकर लोग काफी रोमांचित थे। और 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर निकल पड़ा, जिसमें सवार थे 920 यात्री। इसके बाद साउथहैम्पटन से रवाना होकर 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फ्रांस पहुंचकर 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वीन टाउन आयरलैंड पहुंचता है, और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक रवाना होता है न्यूयॉर्क के लिए। 1317 पैसेंजर्स और 907 क्रू मेंबर्स को मिलाकर कुल 2224 लोग से भरा ये जहाज जा रहा था अपनी अंतिम यात्रा की ओर। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जब आयरलैंड से निकला, तब भी से टाइटैनिक को उसके रास्ते में मौजूद आइसबर्ग की पहली वार्निंग दे दी गई थी, लेकिन टाइटैनिक अटलांटिक ओशन से गुजरते हुए बेखौफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अमेरिका की ओर बढ़ने लगता है। इन वार्निंग्स मिलने के बाद टाइटैनिक अपने रूट को बदलता है, लेकिन स्पीड को कम नहीं करता। अब इसके 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दे दी जाती है टाइटैनिक को, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और जहाज की रफ्तार को कम नहीं करते हैं, और टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड में अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में समुद्र को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को 6 चेतावनी संदेश अन्य जहाजों से दिए जा चुके थे। अब इन चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए 14 अप्रैल को दोपहर 2 बजे कैप्टन स्मिथ ने व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जोसेफ ब्रूस को आइस वार्निंग के बारे में बताया, लेकिन जोसेफ ब्रूस ने कैप्टन स्मिथ पर प्रेशर बनाए रखा कि टाइटैनिक की स्पीड को धीरे नहीं करना है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी कंपनी का ये जहाज मात्र 6 दिन में अपनी यात्रा पूरी करके एक रिकॉर्ड कायम कर सके। 10 अप्रैल की उस भयानक रात ने भी अब एक भयानक रूप ले लिया था। उस रात आसमां में चांद नहीं था। कैप्टन स्मिथ को कहीं ना कहीं जहाज की सेफ्टी की चिंता थी, इसलिए कैप्टन स्मिथ ने 14 अप्रैल की अंधेरी रात को सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर्स फेडरिक फ्लीट और रेग्नॉल्ड ली को जहाज के क्रो नेस्ट पॉइंट पर तैनात कर दिया समंदर पार निगरानी रखने के लिए, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके।
उस अंधेरी रात में समंदर का ठंडा पानी, टाइटैनिक और आसमान में तारे मौजूद थे जो शायद इस घटना को देख रहे थे। अचानक 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट ने जहाज के सामने एक बड़ा सा काला पहाड़ देखा। उसे बर्फ की चट्टान नहीं दिखी, लेकिन फिर भी फ्रेडरिक तुरंत समझ गया कि उनके रास्ते में साक्षात मौत खड़ी थी, यानी आइसबर्ग। ये देखकर फ्रेडरिक ने 3 बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंत फोन करके खबर दी, हेलो सर, बर्फ की एक चट्टान हमारे बिल्कुल सामने है। सभी अफसर जहाजों को मोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन अचानक अरफा तरफी में जहाज को लेफ्ट की जगह राइट में मोड़ दिया गया, जिस वजह से टाइटैनिक आइसबर्ग से दूर जाने की वजह उसके और करीब आ गया। और इसी वजह से 11:40 पर उस बड़े आइसबर्ग ने जहाज के निचले हिस्से को चीर कर रख दिया। यह टक्कर इतनी भयंकर थी कि इस टक्कर से 3rd क्लास में बैठे यात्रियों को एक बड़ा झटका लगा। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने का पता यात्रियों को तब चला जब टक्कर के बाद टाइटैनिक को तुरंत रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जहाज के टकराने की खबर सुनकर लोग इधर उधर भागने लगे, हड़बड़ी मच गई, चारों तरफ खौफनाक मंजर हो गया। लेकिन इन खौफनाक मंजर में कुछ लोग अभी भी नहीं डरे थे, क्योंकि उन्हें अभी भी ये विश्वास था कि टाइटैनिक अनसिंकेबल जहाज है। लेकिन कैप्टन स्मिथ का भ्रम टूट चुका था और टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने के 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं कि तुरंत रेडियो पर डिस्ट्रेस कॉल भेजो ताकि आसपास मौजूद जहाज हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचा ले। सीनियर ऑपरेटर जैक फिलिप लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहे, लेकिन अगले 20 मिनट तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। सब घबरा जाते हैं, पर कुछ ही देर में RMS कार्पेथिया जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। लेकिन RMS कार्पेथिया टाइटैनिक से काफी दूर 107 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था और अपनी टॉप स्पीड से चलने पर भी इस जहाज को टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे लग जाते। वहीं टाइटैनिक पर आइसबर्ग से टक्कर की वजह से निचले कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लग गया। इस वजह से 3rd क्लास में बैठे पैसेंजर्स ऊपर की ओर भागने लगे। ये सब देखकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैप्टन को बताया जल्दी से लाइफ बोट्स को निकाल लिया जाए, क्योंकि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका है और थोड़ी देर में पानी डेक के ऊपर से बहते हुए सारे कंपार्टमेंट्स में भर जाएगा। लेकिन उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद थे और इनमें 65 यात्री ही बैठ सकते थे, जबकि जहाज पर कुल 2,224 लोग थे। लाइफ बोट पे बैठने के लिए औरतों और बच्चों को पहले प्रायोरिटी दी गई, लेकिन अरफा तरफी और घबराहट के माहौल पे अपनी जान बचाने के लिए लोग छीना झपटी करने लग गए। जहाज में लाइफ बोट्स काफी कम थी। इस बात पे कई सवाल उठे थे कि कैप्टन स्मिथ ने इतने कम बोट्स को क्यों लोड किया। इतने खौफनाक माहौल में भी कुछ म्यूजिशियन उस रात म्यूजिक बजाने में लग गए ताकि मौत को बिना डरे हंसकर गले लगा ले। और कुछ लोगों ने तो इस सच को स्वीकार कर लिया था कि वो मरने वाले हैं, लेकिन मरेंगे एक दूसरे के साथ। अब वहीं दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भरने से जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था और जहाज का भारी हिस्सा ऊपर उठने लगा। जहाज के ऊपर उठने की वजह से जहाज पर मौजूद लोग फिसल कर नीचे की तरफ आने लगे। 2:30 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया और मात्र 2:40 पर कभी न डूबने वाला अनसिंकेबल टाइटैनिक को अटलांटिक महासागर ने अपने अंगोश में ले लिया। टाइटैनिक के सभी पैसेंजर्स -2 डिग्री के पानी में डूब गए और इस भयानक मंजर ने 1,517 लोगों की जान ले ली। मरने वाले अधिकतर डूबने से नहीं बल्कि -2 डिग्री सेल्सियस के
के ठंडे पानी में जमने के कारण हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। लेकिन टाइटैनिक डूब चुका था। बोट में बैठे 710 लोग अभी भी कड़कती ठंड, मौत से बचने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन सवाल अभी भी ये बना हुआ था कि जिस टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला कहा था, आखिर वह टाइटैनिक अपने पहले ही यात्रा में कैसे डूब गया। टाइटैनिक के डूबने से लेकर आज तक अलग अलग रिसर्चर्स की अलग अलग थ्योरी सामने आती है। जहां कोई कैप्टन स्मिथ को इसका जिम्मेदार बताता है तो कोई टाइटैनिक के बनावट में कमी बताता है। लेकिन 2010 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट में टाइटैनिक के डूबने का असली कारण जानने के लिए कई रिसर्चर्स की एक टीम ने आधुनिक रोबोट और हाई डेफिनेशन कैमरा की मदद से नॉर्थ अटलांटिक में डूबे टाइटैनिक को पूरी तरह स्कैन करके उसके हर छोटे बड़े टुकड़ों की 150,000 फोटोज और वीडियोस इकट्ठे करे। इसके हर पुर्जे का अध्ययन करके लगभग 2 साल के बाद सन 2012 में टाइटैनिक को वर्चुअली तैयार करके इसके डूबने की असली वजह जानने की कोशिश की और रिसर्चर्स ने पाया कि टाइटैनिक जहाज में कहीं कोई कमी नहीं थी। बल्कि रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने की असली वजह कुछ और नहीं बल्कि उसकी तेज रफ्तार थी। इतनी तेज रफ्तार से टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया जो कि हजारों टन वजनी थी, जिसका दबाव टाइटैनिक के निचले हिस्से पर पड़ा और इस निचले हिस्से की चीरफाड़ हो गई, जिस वजह से कंपार्टमेंट में पानी भर गया और जहाज डूब गया। टाइटैनिक का मलबा आज के समय में कनाडा न्यूफाउंडलैंड से करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर नीचे गहराई में पड़ा है। समंदर की गहराई में टाइटैनिक को ढूंढने में लगभग 73 सालों का समय लग गया और सन 1985 में टाइटैनिक को ढूंढ लिया गया। 100 साल पूरे होने के बाद इसे पानी के नीचे की धरोहर में शामिल कर लिया गया है और टाइटैनिक अब दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। और 1912 के बाद में 18 जून 2023 को जब टाइटैनिक को देखने के लिए एक सबमरीन में 5 अरबपति जब इसे देखने गए तो ना जाने क्यों टाइटैनिक के करीब पहुंचते ही अचानक इस सबमरीन में एक भयानक एक्सप्लोजन हो गया और ये 5 लोग भी हमेशा हमेशा के लिए टाइटैनिक के साथ ही अमर हो गए। टाइटैनिक समंदर के नीचे रेस्ट कर रहा है और लगातार टूट रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के अनुसार 2023 तक टाइटैनिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक भले ही खत्म हो जाए पर टाइटैनिक की कहानी अमर हो चुकी है और टाइटैनिक की यादों में हम हमेशा गुनगुनाते रहेंगे।